एक ऑफिस इंचार्ज की, एक एडमिन मिनिस्टर की, एक सीनियर ऑफिस इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे लोगों को कैसे डाइवर्ट करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो एक ऑफिस स्टाफ की फर्स्ट तो उसको ऑफिस के अंदर कितने सिस्टम है उसका लिस्ट आउट होना चाहिए, कितने हमारे ऑफिस में काम करते हैं एक उसका लिस्ट आउट बनाना चाहिए, लिख लीजिए आप लोग। एक ऑफिस स्टाफ को क्या क्या होना चाहिए, लिखिए आप लोग। एक तो आपके पास कितने सिस्टम है, कितने लैपटॉप है, कितने सिस्टम है और कब वो सिस्टम खराब हुआ था, कब रिपेयर हुआ था और उसके कौन कौन जो है सर्विस वाले हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए। दूसरा नंबर है कि आपके पास जैसे कि आपके पास नेट है तो नेट वाले का भी आपके पास नंबर होना चाहिए। किसका नंबर होना चाहिए, नेट वाले का। जो नेट वाला है उसका भी आपके पास लिखते हो, नेट वाले का भी नंबर होना चाहिए। पावर, तो पावर जब कभी भी जा सकता है आ सकता है तो आपके पास एक लाइन मैन का नंबर नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी है ऑनर ही करेगा, तो हर एक ऑफिस स्टाफ का जिम्मेदारी है कि उसके पास नेट वाले का नंबर आना चाहिए, लाइन मैन का नंबर होना चाहिए, पानी जो सप्लाई करता है पानी वाले का नंबर होना चाहिए, जो आपके ऑफिस में हाउस कीपिंग का काम करती है उसका भी आपके पास फोन नंबर होना चाहिए, और इसके बाद आपको कोरियर वाले का भी नंबर होना चाहिए या स्पीड पोस्ट वाले का नंबर होना चाहिए। और आगे हम बात करेंगे कि अच्छा ऑफिस स्टाफ के पास और क्या होना चाहिए, जैसे कि लिस्ट ऑफ कस्टमर का एक चार्ट होना चाहिए, ठीक है, लिस्ट ऑफ कस्टमर का एक चार्ट होना चाहिए। लिस्ट ऑफ सप्लायर का आपके पास चार्ट होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा इंसान, कौन सा रॉ मेटेरियल कौन देता है, और प्रोडक्ट का प्राइस लिस्ट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपको लिस्ट ऑफ फाइल का नॉलेज होना चाहिए और फाइलिंग एवरी वीकली आपको अपडेट कर देना चाहिए लिस्ट के हिसाब से कि ये सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर हम जहां से उठाते वहीं पर टेबल पर छोड़ देते हैं, हम देखते वो कर देगी, वो देखते वो कर देगा, पता चलता है फाइल 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 मिस होते हुए दूसरे जगह चला जाता है। जब वो फाइल की जरूरत पड़ती है तो आप इरिटेट होने लगते हो, परेशान होने लगते हो, फाइल है कहाँ। तो जो फाइल आप जहां पर उठाते हैं उसमें कितना टाइम लगेगा, हर आदमी के की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक स्टाफ की, आखिर ये इतनी फाइलें हैं ऑफिस में वो है क्या, वो लिस्ट के हिसाब से है कि नहीं। एक शेड्यूल बना दीजिए कि ये इस वीक में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार घंटा फाइलिंग सही करना, दूसरे वीक में आप उनको लगाएंगे फाइलिंग कितना करना चाहिए, ठीक है। और एक ऑफिस स्टाफ और मार्केटिंग वाले का जिम्मेदारी क्या होना चाहिए, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होना चाहिए कि आप अभी तक एक लिस्ट आउट बनाइए कि अभी तक आपने कितने कस्टमरों को, आपका कस्टमर लिस्ट बनाइए, आपने कितने कस्टमरों को हैंडल करते आया है उसका लिस्ट ऑफ कस्टमर आपका सेपरेट होना चाहिए, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, क्या प्रोडक्ट दिए थे, एक कंबाइंड जो है तो मैनेजमेंट के पास रहना चाहिए। एक तो आपके पास रहना चाहिए कि आपने अभी तक कितने कस्टमरों के साथ काम किया, आपको सेपरेट एक लिस्ट बना के रखिए उनको डेली, तभी तो आप उस कस्टमरों पर डेली 5 जनों को कॉल कर सकती हो, देख सकती हो। ये आप काम करो, लिख लो आप लोग कि आपका जो कस्टमर है उसको आप सेपरेट लिस्ट बनाइए, और कौन से कस्टमर से हमको पेमेंट आने का है वो खुद आप रिस्पॉन्सिबल लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि खुद तय कीजिए कि हमारे कस्टमर है इसके पास हमारा पैसे फंसा हुआ है, हमने इसको डील किया था, हमको कैसे पैसे निकालना है, ठीक है। और आपका जो है रख रखाव भी सही होना चाहिए, आपके ऑफिस स्टाफ को ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि किसी लैपटॉप में, किसी प्रिंटर में डस्ट तो नहीं है, एक अच्छा कपड़ा रखिए। सब लोग एक एक दिन सबके जिम्मेदारी दे दो कि आप आज पूरे लैपटॉप का देखभाल करोगी, आप आज पूरे सफाई करोगी, क्योंकि कोई भी हाउस कीपिंग वाली को आप रखोगी तो लैपटॉप थोड़े साफ करेगी, प्रिंटर थोड़े साफ करेगी,
उसको तो डर लगे कहीं करंट मारेगा या कहीं कोई मेरे से कुछ टूट जाएगा, कुछ मिस हैंडलिंग हो जाएगा, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो एक ऑफिस स्टाफ की जिम्मेदारी होती है कि हमारा अपने वस्तुओं को, सामान को अच्छा से रख रखाव करें। जैसे प्रिंटर है, एक एक पार्ट्स में डस्ट निकालना चाहिए, उसका प्रिंटिंग का जो कैट्रिज है क्या स्टेटस है, एक स्पेयर में कैट्रिज है कि नहीं, सडनली कैट्रिज खत्म होता है, अगर एक कैट्रिज लगाते हैं तो आखिर कितने दिन चलता है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। एक बार कैट्रिज लगाने के बाद कितना हमने प्रिंट लिया उसका रिकॉर्ड को रखना चाहिए। अगर आपके ऑफिस में डिस्पैच होता है तो उसका डिस्पैच का रिकॉर्ड रखना चाहिए कि आज डिस्पैच की सिक्का हुआ है, और शाम तक पूरे जो एलआर कॉपी आपको कलेक्ट करके फाइल में लगाना चाहिए, और एलआर कॉपी और इनवॉइस कॉपी आपको सेम डे में आप जो जिसका 100-100 कस्टमर को आपको मेल कर देना चाहिए स्कैनिंग करके। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस स्टाफ की है। अगर ये सारी अच्छाइयाँ अगर आपके अंदर है तो आप एक अच्छे स्टाफ को, एक अच्छे ऑफिस को मेंटेन कर सकते हो। आज आप दूसरे के ऑफिस में काम कर रही हो या कर रहे हो, कल के आपका भी ऑफिस हो सकता है, तो वही आदत आपको बनी रहेगी। अच्छी आदत बनी रहेगी तो आप भी अपने ऑफिस को चार चांद लगा सकते हो, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कर सकते हो। और आज का जो बच्चा है कल का ही चाचा बनता है, आज का ही बच्चा कल का लीडर बनता है, आज का ही जो है मार्केटिंग स्टाफ कल का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है। तो आप अपने आप को कम मत समझिए, आप अपने आप को डे बाई डे एक नया मुकाम तक लाने के सोचिए। जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है, जिंदगी बहुत छोटी है, समय का वैल्यू रखिए। इसी के साथ हमने वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।